लो भाई साहब, Realme की तरफ से एक और नया स्मार्टफोन इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। एक तो भाई साहब बस पलके झपकाओ और Realme की तरफ से एक आध नया स्मार्टफोन कहीं ना कहीं लिस्ट हो ही जाता है भाई। अभी रिसेंटली Realme 13 सीरीज लॉन्च हुई है, जिसमें दो स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे। उसके पहले Realme 13 Pro सीरीज लॉन्च हुई थी, उसमें भी दो स्मार्टफोन्स थे। Realme Narzo 70 Turbo अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है एंड Flipkart पर Realme P2 Pro का लैंडिंग पेज आ चुका है। एंड ये जो स्मार्टफोन है 13 सितंबर 2024 को इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। हल्के फुल्के स्पेसिफिकेशन तो Realme वालों ने खुद ही बता दिए हैं एंड बाकी जो बचे कुछ है भाई साहब वो ट्विटर पर आपको मिल जाते हैं। तकरीबन सारे स्पेसिफिकेशंस इस फोन के ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं इसी स्मार्टफोन से जुड़ी सारी चीजों के बारे में। क्या तामझाम आपको मिलने वाला है, क्या माल मसाला रहेगा, क्या स्पेसिफिकेशंस, क्या फीचर्स, प्राइस पॉइंट क्या होने वाला है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड गाइस अगर ऐसे ही कॉन्टेंट में आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करते हैं फोन के बारे में, स्टार्ट करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। बिल्ड क्वालिटी आपको प्लास्टिक मिलेगी भाई, प्लास्टिक का बैक रहेगा, प्लास्टिक का फ्रेम रहेगा, ग्लास फ्रंट आपको मिलेगा। कौन से ग्लास के प्रोटेक्शन मिलेगा तो प्रोबेबली ड्रैगन ट्रेल ग्लास के प्रोटेक्शन यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी रहेगी, कर्व्ड एजेस यहां पर आपको मिलेंगे, स्लिम फोन रहेगा, लाइट वेट रहेगा, ग्रिप वगैरह सारी चीजें अच्छी रहेगी तो बिल्ड क्वालिटी में आपको शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ IP65 की रेटिंग यहां पर आपको मिलेगी तो डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है, यह काफी अच्छी बात है। सो बिल्ड क्वालिटी तो Realme इस बार बढ़िया देने वाला है। डिजाइन की अगर बात करें तो गुड लुकिंग स्मार्टफोन लग रहा है भाई। बैक पैनल से अगर आप देखेंगे सेंटर में आपको स्क्वायर शेप्ड कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां पर दो कैमरास की हाउसिंग है, साथ ही में LED फ्लैश आपको दिया गया है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो सेंटर पंचोल आपको मिलेगा, 3D कर्व्ड डिस्प्ले यहां पर आपको मिलेगा, पतली सी चेन आपको देखने को मिलेगी एंड कलर्स की अगर तो टीजर्स में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर तो आपको मिलने ही वाला है, साथ ही में ग्रे कलर भी आपको देखने को मिल सकता है। सो दो कलर ऑप्शंस रहेंगे। दिखने में स्मार्टफोन अच्छा है, गुड लुकिंग है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है तो बिल्ड एंड डिजाइन में तो आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में तो 6.7 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले यहां पर आपको मिलने वाला है, बड़ा एंड कर्व डिस्प्ले है तो तकलीफ तो आप समझ ही गए भाई साहब क्या तकलीफ आने वाली है। दो हाथ से आपको फोन यूज करना पड़ेगा, हाथ में आपको थोड़ा बड़ा सा लगेगा लेकिन कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहेगा। 6.7 इंचेस का जो डिस्प्ले रहेगा वहां पर आपको फुल HD प्लस रिजोल्यूशन मिलेगा एंड 10 बिट का 3D कर्व्ड AMOLED पैनल आपको मिलेगा। 394 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी तो डिटेल्स आपको अच्छी मिल जाएंगी, कलर्स वगैरह आपको अच्छे मिलेंगे। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग में आपको मजा आएगा, कंटेंट वॉचिंग में ज्यादा शिकायत आपको नहीं आएगी। ब्राइटनेस की अगर बात करें तो 2000 nits के आसपास आपको ब्राइटनेस मिलेगी तो विजिबिलिटी का इशू नहीं रहने वाला है। इंडोर विजिबिलिटी आउटडोर विजिबिलिटी दोनों बढ़िया रहेंगी। वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन रहेगा, Amazon Netflix पर HD में आप कंटेंट देख पाएंगे एंड 120 Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा तो स्मूथनेस आपको अच्छी मिलेगी एंड प्रोबेबली 240 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट मिलेगा तो टच रिस्पांस भी बढ़िया रहने वाला है। बस फ्लैट डिस्प्ले होता तो और ज्यादा बढ़िया रहता लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली है, डिस्प्ले में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे हम कैमरास के बारे में। दो कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलेगा, प्राइमरी कैमरा होगा 50 मेगापिक्सल्स का, प्रोबेबली सोनी का सेंसर यहां पर आपको देखने को मिलेगा, OIS का सपोर्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा क्योंकि यहां पर आप टीजर इमेजेस में देख ही सकते हैं OIS क्लियरली मेंशन किया गया है तो 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ में एंड उसी के साथ में 8 मेगापिक्सल्स का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने के लिए मिल सकता है तो ये अच्छी बात है कि 2 मेगापिक्सल्स का छोटू नहीं चिपकाया गया भाई, 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा। दोनों कैमरास बढ़िया रहने वाले हैं, पर आपको शिकायत नहीं आएगी। सेल्फी कैमरा की अगर बात करेंगे तो प्रोबेबली 16 मेगापिक्सल्स का यहां पर आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा तो रियर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा दोनों आपको बढ़िया मिलने वाला है, वहां पर आपको शिकायत नहीं आएगी। इसके बाद में बैटरी की अगर बात करें तो 5000 mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलने वाली है, बढ़िया साइज की बैटरी रहेगी, 4 नैनोमीटर का चिपसेट यहां पर आपको मिलेगा। हालांकि प्रोसेसर के बारे में हमने बात नहीं करी है लेकिन फिर भी 4 नैनोमीटर के चिपसेट के साथ में AMOLED के डिस्प्ले के साथ में 5000 mAh की बैटरी रहेगी तो कॉम्बिनेशन आपको अच्छा मिलेगा, बैकअप आपको बढ़िया मिलेगा। साथ ही साथ Realme ने क्लियर कर दिया है कि ये जो स्मार्टफोन है सेगमेंट का ओनली स्मार्टफोन है जहां पर आपको 80 वॉट की चार्जिंग मिलने वाली है। अब ये कौन सा सेगमेंट होने वाला है जहां पर 80 वॉट की चार्जिंग हमको नहीं मिलती है तो मुझे लगता है भाई 15000 के अंदर ही नहीं मिलती है, उसके ऊपर तो OnePlus Nord CE4 Lite में आपको 80 वॉट की चार्जिंग मिलती है। एनीवेज 80 वॉट की चार्जिंग रहेगी, चार्जर इनबॉक्स आपको मिलेगा तो बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आएगी, बैटरी मॉड्यूल तो आपको बढ़िया मिलने वाला है। साथ ही साथ चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, 3.5 mm जैक क्लियरली यहां पर आप देख सकते हैं नहीं मिलने वाला
वाला है। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करेंगे तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिलेगा, छूटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स रहेंगे, साथ ही साथ यहां पर आपको एनएफसी भी देखने के लिए मिल सकता है, ये काफी अच्छी बात है। उसी के साथ में सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, एंड्रॉइड 14 आपको मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन रहेगा, साथ ही में रियलमी यूआई 5.0 मिलेगा, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा, अपडेट्स भी आपको 2-3 साल के तो मिल ही जाएंगे, तो अपडेट वाइज भी दिक्कत नहीं रहेगी, सॉफ्टवेयर सेगमेंट बढ़िया रहने वाला है, वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्टीरियो स्पीकर्स भी यहां पर आपको दिए जाएंगे, डीटीएस सराउंड साउंड की ट्यूनिंग आपको मिलेगी, मतलब ऑडियो एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहेगा, डिस्प्ले भी अच्छा ही दिया गया भाई साहब, तो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में आपको शिकायत नहीं आएगी। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करें तो कार्ड स्लॉट यहां पर आपको नहीं मिलेगा, 2 नैनो सिम आप लगा पाएंगे लेकिन एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये तो हो गए भाई साहब बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं हार्ट ऑफ द फोन के बारे में, प्रोसेसर के बारे में। तो जो लीक्स निकल के आ रही है वो तो बोल रही है भाई साहब कि यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 7 प्लस जनरेशन 3 देखने के लिए मिलेगा। अब 7 प्लस जनरेशन 3 भाई साहब थोड़ा सा फ्लैगशिप सेगमेंट का प्रोसेसर है जो कि आपको 1.3 मिलियन के आसपास एंट्रोड्यूस स्कोर देता है। रियलमी जीटी 60 में हमको देखने के लिए मिला था, आपको पता ही होगा परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी देता है, लेकिन रियलमी ने यह लिखा है कि ये जो प्रोसेसर है सेगमेंट का फास्टेस्ट प्रोसेसर होने वाला है। अब अगर 7 प्लस जेन 3 आता है तो 20,000 के अंदर तो आने से रहा भाई साहब, अगर सेगमेंट का फास्टेस्ट प्रोसेसर है तो मुझे लगता है 25,000 के अंदर ये फोन लॉन्च किया जाएगा। लेकिन फिर दूसरी तरफ रियलमी ने लिखा है कि इस फोन में आपको 80 वॉट की चार्जिंग मिलेगी जो कि सेगमेंट का पहला ऐसा फोन इसको बनाएगी जो 80 वॉट की चार्जिंग के साथ में आएगा। तो ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है भाई साहब कि अगर 7 प्लस जेन 3 आता है तो उस सेगमेंट में 80 वॉट के तो बहुत सारे फोन आपको मिलते हैं स्पेशली वन प्लस एंड ओप्पो की तरफ से, अगर ये फोन 20,000 के अंदर आता है तो 20,000 के अंदर 7 प्लस जेन 3 तो भाई साहब आने से रहा, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो 30,000 के फोन में आपको देखने को मिल रहा है, तो सडनली 20,000 के फोन में तो आपको मिल नहीं जाएगा। तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट देखने के लिए मिलेगा जो कि क्वालकॉम की तरफ से रिसेंटली अनाउंस किया गया है। हालांकि क्वालकॉम की वेबसाइट पर इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं आई है लेकिन ब्रीफिंग जरूर से कर दी गई है, इसीलिए मैंने उस पर अभी तक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया है। जैसे ही क्वालकॉम की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये प्रोसेसर लिस्ट हो जाएगा मैं आपको इस प्रोसेसर के बारे में डिटेल में बता दूंगा, लेकिन ब्रीफ में अगर देखा जाए तो 4 नैनोमीटर का चिपसेट रहेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड पर 4 A78 वाले कोर्स आपको मिलेंगे एंड साथ ही साथ एड्रेनो 710 वाला आपको जीपीयू देखने को मिलेगा। अब अगर देखा जाए हिस्ट्री के हिसाब से तो रियलमी P1 Pro में आपको 6 जेन 1 दिया गया था, यहां पर आपको 6 जेन 3 अगर मिलता है तो ये फोन एक्चुअल में रियलमी P1 Pro का सक्सेसर बोला जाएगा। अगर 7 प्लस जेन 3 आता है तो गैप काफी बड़ा हो जाएगा भाई, मतलब P1 Pro में 6 जेन 1, P2 Pro में 7 प्लस जेन 3, तो जो गैप है वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 6 जेन 3 के साथ में ये फोन लॉन्च किया जाएगा, लेकिन लेट्स सी भाई साहब रियलमी वालों के दिमाग में क्या चल रहा है। एक तो रियलमी वाले फोन इतने लॉन्च करते हैं भाई साहब की बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, हालांकि इसका हिसाब किताब भी अपन एक वीडियो में जरूर से प्लान करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि रियलमी जो बैक टू बैक स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है वो एक्चुअल में करने चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं प्रॉपर तैयारी के साथ में एक वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा, लेकिन अगर अभी बात करें रियलमी P2 Pro के बारे में तो मोस्टली मुझे लगता है कि 6 जेन 3 यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। वेरिएंट्स की बात करें तो 8+128, 8+256, 12+256 एंड 12+512 चार वेरिएंट्स रहेंगे एंड ये वेरिएंट्स आपको 20,000 के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब बेस वेरिएंट आपको 20,000 के अंदर मिल सकता है, बाकी तो सारे आपको 20,000 के ऊपर मिलेंगे। सो लेट्स सी रियलमी P2 Pro क्या लेकर के आता है, कंफ्यूजिंग स्मार्टफोन है, किस सेगमेंट में आएगा, क्योंकि रियलमी ने खुद ही अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट किया है, या फिर ये लोग दूसरे स्मार्टफोन्स की तरफ नहीं देखते हैं कि दूसरे ब्रांड्स क्या दे रहे हैं, क्योंकि 80 वॉट चार्जिंग तो 20,000 के अंदर हमने खुद टेस्ट करी है भाई, और 25,000 के अंदर तो ढेर सारे स्मार्टफोन्स में मिलती है। सो लेट्स सी रियलमी P2 Pro में आपको क्या मिलता है, लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई कि आपके क्या विचार है इस फोन के बारे में, कैसा लगा आपको स्मार्टफोन, कैसा लगे स्पेसिफिकेशंस, क्या लगता है कौन सा प्रोसेसर इस फोन के अंदर आने वाला है, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।